ये है इंडियन हाई कमीशन के सामने, जहां कई लोग नमाज पढ़ रहे हैं और अभी बहुत से लोग और भी यहां पर मौजूद थे और उनके साथ खड़े हैं बहुत सारे उनके भाई और बहन, जो ये कहना चाहते हैं कि CAA और NRC को हटाया जाना चाहिए भारत में। और इसकी क्या वजह है, ये हम बात करते हैं मिस्टर पटेल से, जो कि इस प्रोटेस्ट के स्पोक्सपर्सन कह सकते हैं हमें। और कौन कौन सी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मिस्टर पटेल। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रोटेस्ट में जुड़ी हैं और कितने तकरीबन लोग होंगे? हमारे प्रोटेस्ट के अंदर में बहुत सारे लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडियन वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन है, इंडियन मुस्लिम फेडरेशन है, और उसके अलावा न्यू मुस्लिम अलायंस है, फेडरेशन ऑफ रेडब्रिज मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन है, और स्टॉप द वॉर कॉलिशन जो यहाँ से 1 मिलियन मार्च किया था 2003 में, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है एज ऑर्गेनाइजर्स। साउथ एशियन सोलिडारिटी मूवमेंट के तहत और साथ में SOAS भी जुड़ा हुआ है, ऐसा हमारा साउथ एशियन सोलिडारिटी मूवमेंट बिल्कुल है, और हम यहाँ के ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी मौजूद है, प्रेजेंट है, हमारे CWU के हजरत ये यहाँ पे हैं, और उसके अलावा GMB जो हज़ारों की तादाद से वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आज आए हैं, हमारे साथ MPs भी थे, लोकल काउंसलर्स भी थे, और बहुत हमको वी फील बहुत सक्सेसफुल था कि सब इकट्ठे आके एक आवाज़ से हमने पुकारा। तकरीबन कितने हज़ार लोग होंगे आप लोग? हमारे अंदाज से तकरीबन 1 से 2 हज़ार लोग आज आए थे, मौजूद थे मार्च के अंदर में, और पहले भी मार्च हुआ था उसके अंदर भी तकरीबन। आप लोग 3 मार्च कर चुके हैं सिर्फ जनवरी में, मुझे बताएं कि क्या आप कहना चाहते हैं और क्यों? हमारी मैसेज तो सिर्फ यही है कि ये जो मोदी गवर्नमेंट ने जो CAA निकाला है और NRC के ज़रिए से जो उन्होंने मुसलमानों की जो हक छीन ली है, जो वहाँ से सालों से वहाँ से इंडियन इंडिपेंडेंस से जी रहे हैं, उनकी जो हक है वो हम वापस देना चाहते हैं कि नहीं, ये गलत है, ये आपने जो किया है वो आपने मजहबी तौर से इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और अगर इंडिया डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के मातहत ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर साफ लिखा है कि उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ कि यू विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप हिंदी बोलते हैं जनाब? आप भी बोलते हैं जी? आए आप सामने आए तो अच्छा, आप भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग दोनों भारत से हैं? भारत से, हैदराबाद से हूं मैं, स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आप ये बताएं कि जो आर्ग्यूमेंट है, जरा है जो इसके खिलाफ, वो ये है कि भाई जिन देशों से हम CAA लागू किया गया है वो देश खुद इस्लामिक है, तो जो वहाँ माइनॉरिटीज हैं उनको एमनेस्टी दी गई है, तो इसमें क्या परेशानी, आपकी उसकी तरफ क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी परेशानी सिर्फ मोदी जी से दो चीज़ों से है CAA को लेकर। एक, इसके अंदर जब अगर आप नागरिकता सभी को दे रहे हो, शायद वो मुस्लिम मुल्क है, अगर उस मुस्लिम मुल्क से 10 लोग भागकर आए, उनमें से सिर्फ 5 या 6 लोग हिंदू है या फिर कोई और शरणार्थी है, आप उनको अंदर ले लोगे, बाकी 4 जो कि दूसरे कंट्रीज़ में प्रोसिक्यूट हुए हैं लेकिन वो दूसरी रिलीजन से मुस्लिम्स होने के नाते आप उनको नहीं लोगे, तो क्या आप उनको मरने के लिए छोड़ रहे हो? और आप सिर्फ 3 कंट्रीज़ की बात करते हो, म्यांमार हमारे बॉर्डर से लगता है, चाइना हमारे बॉर्डर से लगता है, श्रीलंका हमारे बॉर्डर से लगता है, वहाँ पर भी जो है शरणार्थी लोगों के ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, क्यों उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है? ये मोदी गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मुस्लिम्स को टारगेट करो, ये लोग इसके ज़रिए ये करना चाह रहे हैं, जैसे वो लोग 3 कंट्रीज़ के अदर रिलीजियस के लोग को बुलाना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ NRC को लाकर मुसलमान को जो है सेकेंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं, और ये लोग जो है मुस्लिम से अपना राइट छीनना चाहते हैं और उनको जो है देश से बाहर करना चाहते हैं, ये इनका एजेंडा है। आप मुझे बताएं कि ये तीसरी, यू कैन आंसर इन इंग्लिश इफ यू आर कंफर्टेबल, कि ये तीसरी SOAS का सपोर्ट कर रहा है साउथ एशियन सॉलिडारिटी मूवमेंट को, तीसरी ये प्रोटेस्ट है जनवरी में ही ब्रिटेन में करके, आप किस तरह का इम्पैक्ट और कैसे इम्पैक्ट ले जाना चाहते हैं, प्लीज हमें बताएं। So it's very important, we feel that, you know, Modi has been saying from the beginning that he has the support of the diaspora, right? But you can see today how many different communities have come together
in opposition to what he's trying to do with the CAA. Ma'am, can I have you facing the camera? With yes, the, thank you. With please. The CAA and the NRC and the NPR. So what we're really doing here is raising our voices and showing that the diaspora is not behind Modi. The diaspora is actually coming out in solidarity with the people who are protesting on the streets across India and saying that they don't want these fascist laws which target the Muslim minority, which will make them disenfranchised, and which we can see from history, when you disenfranchise a targeted minority, then the next step is ethnic cleansing and the next step is genocide. We are also aware of that, and we feel that we are in a position to amplify the voices from the ground in India, the voices of people like the women of Shaheen Bagh, who have deeply inspired us. And we are coming together across faiths, across religions, across communities to express our solidarity. Another video from the same Shaheen Bagh has come through of a person who they say is trying to divide the country. Would you respond to that? You know, a lot of people who are basically, you know, one way or another supporters of the government would like to say that anyone who raises their voice against Modi or against the government is anti-national. But the way we see it is the opposite, right? We are actually here defending the whole notion of Indian secularism, defending the whole constitution, and that is what the protesters in India are doing. So I can't comment on the video you're talking about. हाँ, बहुत सारे नारे लग रहे हैं आजादी पर. किस चीज से आजादी चाहेंगे? हमें आजादी चाहिए CAA से, हमें आजादी चाहिए NRC से, हमें आजादी चाहिए जो BJP गवर्नमेंट रूल कर रही है, और जो ये लोग, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह मिलकर रह रहे हैं कई सालों से इंडिया में, तो ये लोग अभी फूट डालना चाह रहे हैं कि मतलब इंडिया मुस्लिम अलग और हिंदू अलग. तो इस वजह से हमें आज़ादी चाहिए और एक सेकुलर गवर्नमेंट चाहिए हमें इंडिया में. ये आप कुछ मैसेज देना चाह रहे थे, संदेश देना चाह रहे थे अपने भारतीय स्टूडेंट्स को, बताएं. हम हिंदुस्तान में बैठे सारे स्टूडेंट्स को, JNU से हो, जामिया से हो, AMU से हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी, जिन जो जो इंडिया के हर कोने से यूनिवर्सिटी के जो बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी संघर्ष को जारी रखें. हम यहाँ पर UK में भी, लंदन में भी सारे स्टूडेंट्स आपके साथ है. हमारी एक स्टूडेंट की सोसाइटी है, साउथ एशिया स्टूडेंट्स अगेंस्ट फैसिज्म, हम भी आपका साथ दे रहे हैं. हम इस संघर्ष को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक CAA और NRC वापस नहीं लिया जाता. स्टूडेंट्स के बारे में क्या ख्याल है जो अभी वीडियो निकला है जिसमें वो असम को भारत से अलग करने की बात कह रहे हैं? असम को भारत से अलग करने की बात करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को आप इतना फ्रस्ट्रेट भी मत करो कि वो लोग जो है अपनी मेन जिस मुद्दे को लेकर बैठे हुए वो उससे भटक जाए. हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे मेन मुद्दे पर आए. हमें सिर्फ CAA और NRC से आज़ादी चाहिए, ना कि पूरे भारत को अलग आज़ाद करने का है. हमें ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, मोदी और अमित शाह और BJP की जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमको इससे आज़ादी चाहिए. हमको भारत से आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए. और हम आसाम के उन स्टूडेंट से भी जो है फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी तवज्जो जो है वापस CAA और NRC पर लाए. आपका यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई हैं जो एक साथ और एकजुट होकर कोशिश कर रही हैं कि CAA के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उन लोगों के साथ खड़े रहें भारत में जो कि CAA और NRC के खिलाफ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा. लवीना टंडन.